ये अरमान निकालने के लिए सरहद बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उस पार भी ये अरमान निकाले जा सकते हैं। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच कई मुद्दों पर दरारें रही हैं। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को एक स्टैंड लेना ही होगा। मसरत आलम क्या कह रहा है इस शर्मनाक रैली के बाद, हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने उससे खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सईद अली शाह गिलानी आज काफ़ी मुद्दत के बाद श्रीनगर पहुंचे और उनके इस्तकबाल के लिए एक रैली का आयोजन किया गया था। मसरत आलम भी उसमें शामिल थे। मसरत साहब, दरअसल जब आपको छोड़ा गया था उसके बाद पहली बार देखा गया, कल भी आपको अरेस्ट किया गया जब आप त्राल जाने की कोशिश कर रहे थे। आज यहाँ पर जो है वहाँ पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे पड़े और पाकिस्तानी झंडा फहराया गया, उस पर पुलिस ने भी आपके खिलाफ FIR दर्ज किया है, गिलानी साहब के खिलाफ भी FIR दर्ज किया है। पहले आपका क्या मानना है, जो ये झंडा फहराया गया और पाकिस्तान के समर्थन में आपकी तरफ से नारे दिए गए? देखिए, यहाँ के लोगों के जज्बात पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं, तो उन्होंने झंडे लहराए होंगे, तो इसमें क्या ये कौन सा जुर्म है? ये कोई जुर्म नहीं है। तो यहाँ के लोगों के जज्बात ऐसे, और ये 47 से ऐसा होता रहा है, ये पहली बार नहीं है ना कि यहाँ की सरजमीन पे पाकिस्तान का झंडा लहराया गया हो। आपके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आपने भी नारेबाजी की है पाकिस्तान के फेवर में? मेरे खिलाफ बहुत सारे FIR दर्ज हैं, एक और सही। जुमे को त्राल चलो का आह्वान किया गया है, उसमें भी आप शिरकत करेंगे और अपने समर्थकों के साथ वहाँ जाएंगे? देखिए, हम जाएंगे वहाँ कंडोल करने के लिए उनकी फैमिली के साथ, वहाँ एक इनोसेंट किलिंग हुई है, तो हम जाएंगे वहाँ। फ्राइडे को प्रोग्राम दिया गया है। तो अभी तक जो जिस अंदाज से जो आज की रैली हुई है, जिस अंदाज से उस को लेकर सरकार की तरफ से कई बातें आ रही हैं, खासतौर से BJP उसका विरोध कर रही है, हो सकता है आपकी गिरफ्तारी भी हो? गिरफ्तारियों से हम मरूब नहीं होते हैं, ना हम उनसे परेशान होते हैं, गिरफ्तारियां होती रहती हैं, इसमें कौन सी नई बात। आगे जो आपका हिकमत अमली है वो ये इसी तरह जारी रहेगी कि जो आज़ादी पसंद लोग हैं उनकी क़यादत करना और उनके साथ साथ चलना? जी, हमारे तो यही काम है, जब तक जिंदा है तो हम इसमें जो जहर में अपना हिस्सा अदा करते रहेंगे। शुक्रिया मसरत साहब। मसरत आलम, जिन्होंने साफ कहा कि FIR उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ कई सारे FIR है, ये भी एक FIR है, जहाँ तक उनके के नज़रिया का सवाल है तो उनका साफ कहना है कि वो उस नज़रिया को ही आगे बढ़ाते रहेंगे। कैमरामैन तारिक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।